नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 2 की मौत, 30 से ज्यादा घायल। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में शनिवार तड़के 3:30 बजे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया। यहां श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई, जिससे 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि चालक को नींद की झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ है। बस अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे से नीचे जाकर पलट गई। सूचना के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में 7 साल और 14 साल की 2 बालिकाएं भी शामिल हैं, जिनके उपचार के दौरान मौत हो गई। दोनों की अभी शिनाख्त नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार हादसे का शिकार हुई बस छत्तीसगढ़ से आ रही थी। बस में 65 यात्री सवार थे, जिनमें से लगभग 30 से अधिक यात्री घायल हो गए। ये घटना नसीरपुर थाना क्षेत्र के माइलस्टोन 51 पर हुई। सभी लोग छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, जो वैष्णो देवी से दर्शन कर वृंदावन आए थे और शुक्रवार की रात वापस छत्तीसगढ़ जा रहे थे। बस पलटने के बारे में सूचना मिलती है, एक्सप्रेसवे पर मौजूद कर्मचारी व नसीरपुर इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे और तुरंत घायलों को निकाल कर संयुक्त चिकित्सालय व फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। नसीरपुर इंस्पेक्टर शेर सिंह ने बताया कि बस चालक को नींद की झपकी लग गई थी, जिसकी वजह से बस पलट गई। घायल यात्री ने बताया कि बस में 65 सवारियां थी। हम वैष्णो देवी से वृंदावन आए और वृंदावन से अब छत्तीसगढ़ घर जा रहे थे। बस में ज्यादातर सवारियां घायल हो गई हैं। शिकोबाद हॉस्पिटल के डॉक्टर शिव कुमार करदम ने कहा कि 108 एम्बुलेंस से बहुत सारे घायलों को लाया गया है। 2 दर्जन से अधिक घायल हैं, जिसमें कुछ की हालत गंभीर है, उन्हें सैफई के लिए रेफर कर दिया गया है। बाकी घायलों का भी इलाज किया जा रहा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।